नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी से हरदीप सिंह डंग मैदान में हैं तो कांग्रेस ने राकेश पाटीदार पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर दोनों दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। मंदसौर जिले में आती है सुवासरा विधानसभा सीट। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर हरदीप सिंह डंग यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब हरदीप सिंह डंग बीजेपी के उम्मीदवार हैं। डंग को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने राकेश पाटीदार पर दांव लगाया है। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,56,000 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 1,31,000 और महिला मतदाता 1,24,000 हैं। इस सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 2018 में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग ने भाजपा के राधेश्याम को हराया था। हरदीप सिंह डंग 2013 और 2018 में लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। राधेश्याम पाटीदार ने 2008 में चुनाव जीता था। 1990, 93 और 2003 में जगदीश देवड़ा इस सीट से चुनाव जीते थे। 1998 में कांग्रेस की पुष्पा भारतीय इस सीट से विधायक बनी थी। 1985 में कांग्रेस के आशाराम वर्मा सुवासरा से विधायक बने। 1980 में चंपालाल आर्य भाजपा और 1977 में जीएनपी के टिकट पर चुनाव जीते। सुवासरा सीट पर कांग्रेस 4 बार और भाजपा 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेएस और जेएस एक एक बार चुनाव जीते हैं। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुवासरा सवर्ण बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहां पर सवर्ण 70% तो हरिजन 30% है। सबसे ज्यादा राजपूत करीब 45%, 15 से 20% पाटीदार वोटर हैं। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने राकेश पाटीदार पर भरोसा जताया है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद अब सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में नए सिरे से राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। राकेश पाटीदार के मैदान में आने के बाद पाटीदार समाज का ध्रुवीकरण होता नजर आ रहा है। राकेश का मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में गए हरदीप सिंह डंग से होगा, मगर जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और अलग अलग गांव में स्थानीय लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे पसंद और किससे हैं खफा। आइए ये आपको भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र है और हम सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के नाहरगढ़ में फिलहाल हैं। आप देख सकते हैं किसान भाई यहां पर हैं और सब यहां पहुंचे हैं अपनी अपनी फसल लेके। हम बात करते हैं दादा, ये बताओ आपकी कर्ज था आप पर जी कितना? 1 लाख ऊपर तो माफ हुआ नहीं भैया। तो सोसाइटी में पता किया आपने? हाँ कर दो। क्या बोला? 29,000 भैया। बाकी क्या? बाकी कर। तो कब होंगे ऐसा कुछ? यो कहीं नहीं होने और तो।
नहीं होनी और तो कहीं भी नहीं होनी। हाँ हाँ अच्छा हाँ। तो आप जिसने कर्ज माफ किया था उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में आप शिवराज आपकी पसंद है या कमलनाथ है? कमलनाथ है। कमलनाथ है। तो आपका बाकी कर्ज माफ नहीं हुआ है? नहीं, अब उम्मीद भी नहीं है। हाँ, कभी भी आईदा सरकार बना के आईदा तो कर दे, नहीं तो नहीं भी करे। अच्छा, ये तो नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। हाँ, फसल बीमा मिला? अल मल्योत को नहीं, आयो जरूर है वो। आयो है? मिलो नहीं, नहीं मल्योत। क्या नाम आपका? गोपाल। गोपाल, कितना कर्जा था आप पर? अपने कर्जा था 141,000 का। कितना माफ हुआ? अभी तक कुछ भी माफ नहीं हुआ अपना तो। कौन पसंद आपके मुख्यमंत्री? अपने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। क्यों? क्योंकि हर बार शिवराज सिंह ने अपना साथ दिया है। अच्छा। लाइट में, खाद में, हर बात में, ये 24 घंटे लाइटें में, और किसानों के लिए बहुत फायदा भी किया है शिवराज ने। हाँ। इसलिए अपनी तो चाहत शिवराज की है। अच्छा। क्या नाम आपका? मोहम्मद कयूम। क्या करते हो आप? जी, मंडी में काम करते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है आपको, शिवराज या कमलनाथ? अगर लाइट बिजली के हिसाब से देखा जाए तो कमल शिवराज, और अगर कृषि योजना के हिसाब से देखा जाए तो कमलनाथ। आप खेती करते हो? जी, हमारा खेती 17 बीघा। 17 बीघा। कर्जा था आप पर? था। माफ हुआ? 51,000 माफ हुआ। 51,000 माफ हुआ, ठीक है। क्या नाम दादा आपका? बंसीलाल। कर्जा था आप पर? नहीं था। क्या करते हो आप? व्यवसाय धंधा माल पानी का। माल पानी का। मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हो? शिवराज। क्यों? सब योजना में साथ दे और गई। अच्छा, इसलिए। कोई ऐसी योजना का नाम याद हो? सभी लाइट बिल वगैरह सब में भी। क्या नाम आपका? नागेश चंदेल। अच्छा, क्या कितना कर्जा था आप पर? 70,000 रुपये। माफ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? बात की आपने सोसाइटी? सोसाइटी में बात की, बोले नहीं होगा 70,000 रुपये माफ नहीं होगा। प्रमाण पत्र थमा दिए। हाँ। कल प्रमाण पत्र थमा दिए और सोसाइटी में गए तो बोले नहीं, तुम्हारे ऊपर से पैसे नहीं आया अकाउंट में। मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद? शिवराज सिंह चौहान। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सोच लो आप, कृषि किसानों को बहुत फायदा किया। दूसरी बात, किसानों के साथ में बीमा दिया अभी, और कमलनाथ साथ सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। धोखा ऐसे किया कि अभी तक किसानों को डिफॉल्टर करा, डिफॉल्टर कर मेरे खुद के ऊपर 13,000 ब्याज जोड़ के मैंने ब्याज दिया सोसाइटी में, अगर दंड ब्याज। हाँ। अगर मेरे को कमलनाथ सरकार अगर पहले बता देती कि आपका कर्ज माफ़ी नहीं होगी तो मैं पहले कर्ज चुका देता, तो मैं ब्याज का दुख नहीं होता मेरे को ना, मेरे को बीमा से वंचित हुआ, हमें बीमा भी नहीं मिला अभी तक। इसीलिए किसानों का मसीहा शिवराज सिंह सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बढ़िया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वही है, और अधिकारी उनको है राज करने का। इन गद्दारों को कोई अधिकार नहीं है राज करने का। क्या करते हो भैया आप? व्यापार। व्यापार? काहे का व्यापार? क्या नाम? प्रवीण जैन। क्या व्यापार में क्या करते हो? लहसुन खरीदते हैं। लहसुन खरीदते हो। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको बेहतर? शिवराज सिंह चौहान। क्यों? बेस्ट, द बेस्ट। कारण होगा कुछ की? कारण ये कि जो सरकार अभी चली कमलनाथ की, वो चली ही नहीं। हाँ। साल सवा साल में मतलब अपने घर को भी नहीं संभाल सके। हाँ। घर को तो संभाल सकते ना अपन। मतलब शिवराज के लिए कुछ तो कारण होगा कि भाई काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, कमलनाथ अच्छा कर रहे हैं, योजना भी अच्छी लाते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। हाँ, शिवराज सिंह अच्छा। मेरा नाम सत्यनारायण है। मुख्यमंत्री कौन बेहतर? शिवराज सिंह अच्छा है सर, अच्छा काम करते सर। काम ये मतलब खेती बाड़ी में पैसे वैसे लेन भी अच्छी थे, और किसानों के लिए भाई अच्छा काम किया, और नौकरियाँ वाले अच्छा लिया है। हाँ, और उनके अलावा हमारा पैसा था 59,000 रुपया था वहाँ बैंक में, तो मतलब 51 ही दिया हमारे माप, और मतलब पैसे हमारे वहाँ ब्याज का लगा 13,000 रुपया लगा हमारा, 13,500 रुपया ब्याज का। हाँ सर, मतलब डिफॉल्टर। हाँ। नाहरगढ़ के ही कुछ और किसानों से बात करते हैं। क्या नाम दादा आपका? मोहनलाल। कितना कर्जा था आप पर? मेरे ऊपर तो नहीं, 3 बच्चों के ऊपर था। अच्छा। हाँ, एक भी किसी के भी एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। हाँ। ना हमारे वो ये भराया फसल बीमा। अच्छा। तो वो भी नहीं मिला। हाँ। उसमें भी घाटा गया, वो भी नहीं आया, नया पैसे भी नहीं आया, ना ब्याज भी लग गया हमारे। तो आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हो, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज सिंह जी को था हमारा पहले ही थे। अच्छा। हाँ। तो कमलनाथ ने कर्ज माफी की थी, आपके 3 बच्चों की कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, क्या बताया? नहीं हुई।
क्या बताया? अब कोई बात करने तो कोई आया नहीं हमारे पास में, जो कहें हम क्यों ये बात हुई। अच्छा, आप किस कमल शिवराज के काम से संतुष्ट हैं या कमलनाथ के काम से संतुष्ट? शिवराज। क्या नाम दादा आपका? कन्हैयालाल। कर्जा था आप पर? हाँ। कितना लोन ले रखा था, क्या नाम है वो, क्रेडिट कार्ड पे? हाँ। तो माफ हुआ? हाँ, 2 लाख हुए। बेहतर मुख्यमंत्री किसको देखते हो आप, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। कर्जा था आप पर? कर्जा था। कितना? करीब 50,000 रुपए था। माफ हो गया? हो गया जी। इसमें ये अभी हुआ, इसमें तो वो उसमें पहले जो किसान कर्ज माफी योजना शुरू की थी, हाँ उसमें कर्जा माफ, हाँ अपने तो मतलब करीब 50 था जो हो आ गया था नंबर अपना। हाँ, बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं आप? शिवराज सिंह जी को देखते हैं अपन। अच्छा काम भी अच्छा किया और फायदे भी सबको अच्छे देते हैं और काम तो सब व्यवस्थित हो रहा है। अच्छा, क्या काम व्यवस्थित? खेती किसान जी, सब सभी को काश्तकार वगैरह को अच्छा लाभ दे रहे हैं बार बार, जैसे बीमा का कार्य है ये है उसमें सब्सिडी है वगैरह सब, मतलब अच्छी मतलब देते हैं इस कारण से, मतलब बेहतर के रूप में तो शिवराज सिंह जी को, बात ही अलग है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम वर्धा था। वर्धा था? कर्जा था, कर्जा था। कितना करता था? 1,00,000 रुपया। माफ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों? सोसाइटी वाले नहीं बताया? बताया कौन? नहीं बताया। ये बताओ कि शिवराज बेहतर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में या कमलनाथ करते थे? अरे शिवराज की बात ही हो रही है। काई बात छे? शिवराज की बात हो रही है। कमलनाथ ने सब डुबाया, वोट बदले ले लिया उन्होंने, फिर डुबाया सब ने। अच्छा, नशार को सार में मार तो कभी पयो नहीं, एक पयो ना एक बहन का आईडर कौन है सबकी, हमारे पयो ना। श्याम राठौर। क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितना कर्जा था आपका? 1,20,000 रुपए। माफ हो गया? नहीं हुआ। तो क्या वजह बताया आपको सोसाइटी ने? इस कांग्रेस की सरकार ने जो हमें धोखे में रखा है, और अभी वर्तमान में जो हमारे बीमा क्लेम आना था वो नहीं आया, वो कांग्रेस के कमलनाथ सरकार की वजह से हम अभी किसान बहुत पीड़ित हैं। अच्छा, बेहतर मुख्यमंत्री? बहुत बेहतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने विकास मध्य प्रदेश को विकास की गंगा बहाई है शिवराज सिंह जी चौहान। अच्छा। जी, उन्होंने जितना काम किया है मध्य प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं किया। पहले भी नहीं। हाँ। काम ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतनारायण। कर्जा था आपका? हाँ। कितना? 2 लाख। माफ हो गया? क्या भी हूँ, और ब्याज लगी अंदर देना मैंने। अच्छा, कर्जा माफ हुआ तो उसके बाद फसल बीमा का लाभ मिला? क्या मिलियो? नहीं मिला। नहीं मिला। बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, बेहतर तो शिवराज सिंह जी है। कमलनाथ तो सबने नाथ बने दिया एक मारे। अच्छा। हाँ, और कहीं वहाँ मामा जी है। अच्छा, मतलब आप शिवराज के काम से संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम आपका? दिलीप गहलोत। कर्जा था आप पर? हाँ था। कितना माफ हुआ? 1,00,000 का था, 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ। अच्छा, क्या बताया सोसाइटी में? सोसाइटी में कहीं बताया 1,00,000 का तक का माफ ही नहीं करिया। 50,000 का वारा कहीं नहीं माँ का खेत देगा माफ। बेहतर मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? बेहतर तो शिवराज सिंह जी है, क्योंकि वहाँ अभार तक 0% पे उन्होंने पैसा दिया, कभी माँ की ब्याज नहीं लगी 10 साल तक। तो वहाँ भी हम आप कहीं कह रहे हैं माफ कम माँ के ऐसे ही हो गई, मतलब माफ पहले ही वही है। और दूसरे सवाल, दूसरी बात के वो क्या कर्जो माफ करा हमारे 4 लाख मान कांग्रेस में वोट दे दिया, जो कर्जो ही माफ नहीं हुई हो, उल्टो जो ब्याज लगी हो, फिर बीमो भी बराणों को नहीं, जो बीमो भी नहीं आयो ने, जो फसल गए साल नुकसान हुए तो ओला बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो मुआवजे भी नहीं आयो, खाली 25% आयो, 75% अभार तक बाकी है। तो अभार तक मैं तो काफ़ी डूबी गया, अगर वहाँ सरकार रहती पहला बारी तो माँ की ब्याज भी नहीं लागत, बैंक पलटी जाती, बीमो आई जा, तो माँ माफ नहीं बताते कि तकलीफ नहीं थी, बीमो आई जा तो मैं बराबर पे तो वही जाता। कैलाश है सर। 30,000 का था सर, नहीं हुआ सर। तो पता किया क्यों माफ नहीं हुआ? बताया नहीं सब सोसाइटी वाले ने। मुख्यमंत्री कौन बेहतर, शिवराज या कमलनाथ? शिवराज सिंह। वो अच्छा कर रहा काम सर। क्या नाम? दशरथ गुजर। क्या करते हो? खेती कृषि। कितना कर्जा था? 1,06,000। कितना माफ हुआ? 1 रुपया नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं हुआ, पता किया? पता किया ना उन्होंने, वो जो हरे कागज ने, पीले कागज ने किसानों को बोला है कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन में अपने घर पे भी किसी को अपन कह देते हैं कि 10,000 रुपये ले जाना, तो भी नहीं दे पाएंगे। अगर अपने घर पे पैसा नहीं है तो अपन कैसे देंगे? हाँ। मजदूरी भी करेंगे तो कमलनाथ नहीं है, वो मखरनाथ है। अच्छा। केवल ऐसे ही किसानों को भटका के और बेला बुझला के, बेचारे सब किसान तो मजदूर हैं,
मजदूरी करते हैं किसानों, और कमलनाथ ने 10 दिन का वादा करके ने बोल दिया है सभी किसानों से, जो वो उनके बातों में आकर वोट दे दिए। गीसालाल कितना कर्जा था आप पर? 1,20,000। क्या माफ हो गया? नहीं भी हो। पता किया सोसाइटी में? सोसाइटी में पता किया कि तुम्हारे नहीं आए। अच्छा, हाँ। तो बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हो? हाँ? किसको देखते हो? शिवराज सिंह जी को। अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। यह सोसाइटी हम चोर भैया हाँ। माफ करिया ने, और मगर ना तो मुआवजा आयो ना कई कौन सा बार जी चौपड़ कर दिया माने चोर का सौगर हो गया। हर ऐसी सरकार तो कभी आवनी जावे भैया कांग्रेस की, तो सहबाड़ी माने चौपट कर दिया बिल्कुल। चोरा ने तो सौकार बने, सौकार चोर बढ़ दिया, सोयाबीन लड़ी जी पया ही नहीं आई रहा, कहीं नहीं आई। शिवराज सरकार में आनंद मंगल में आम, बिल्कुल आनंद मंगल में। बलि प्रधानमंत्री आज बनाया कई दाम। क्या नाम भैया? बंसीलाल गहलोत। कितना कर्जा था आप पर? सर कर्ज तो नहीं, कर्ज थो बाकी माफ भी आई को नहीं। कांग्रेस शासन ने ना के वहीरो बाकी और ब्याज भरना पड़ो हाँ। और ब्याज देना पड़ो हाँ। शिवराज सिंह बढ़िया आदमी है, किसान हितेजी है, किसान की हर बात सुने, बाकी सही काम किसान को ऊंच करे, बाकी कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। राजू गहलोत। कितना क्या कर्जा था आपका? 20,000। माफ हो गया? अभी भी हो माफ। ये तो फसल बीमा का हुआ या कर्ज माफी का हुआ? फसल बीमा में भी हो गए, कई 3-4 वक्त फार्म भराया सफेद ने लाल ने सीतामू जाओ नौन के बाद भी हो हाँ। अच्छा, तो आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में? शिवराज सिंह अच्छा आदमी है, गरीबों को गेहूं दे रहा फ्री में, डिलीवरी हो रही तो उसमें पैसे दे रहा, हर बात में पैसे दे रहा शिवराज सिंह। कमलनाथ ने क्या दिया? कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस सरकार ने डूबाई, हर काश्तकार को डुबाया। कौन काश्तकार सही है कि उसका नहीं डूबा, तो हर काश्तकार डूबता ही जा रहा। शिवराज सिंह जी ने जीरो बैलेंस में पैसे दिए लोगों को, कभी ब्याज नहीं लगा, टाइम से टाइम पैसे दे रहे थे, ले रहे थे, गेहूँ खरीदे तो हमको मुनाफा दिया। इन्होंने क्या दिया? वादा करा था वही तो खा गए, गेहूँ के पैसे ही खा गए। बोनस आया ही नहीं अभी तक हमारे गए साल का, सोयाबीन का नहीं आया। मुआवजा 2-2 हज़ार रुपये दे के समझा दिए, बाकी का मुआवजा आया ही नहीं। ये थे नाहरगढ़ के किसान जो अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे थे। इन सब के बीच में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनादेश किसे देती है, ये दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल, सोनी अनादि टीवी, नाहरगढ़। नाहरगढ़ के जनता के दिल की बात आपने सुनी, और आइए इस मसले पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अनादि टीवी के सीतामऊ संवाददाता प्रकाश शर्मा। प्रकाश जी स्वागत है आपका जी। हमने अभी क्षेत्र की जनता की बात सुनी नाहरगढ़ इलाके की, अगर 10 लोगों से बात की गई ऑन एंड एवरेज तो उनमें से एक किसी ने कहा कि उसका कर्ज माफ हुआ है, बाकी लगभग 9 लोगों का कहना था कि कर्ज माफी के नाम पर उनको छला गया है, कांग्रेस की सरकार ने छला है। प्रकाश जी मेरा सवाल आपसे ये कि ऐसे में आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सुवासरा, वहां पर इस उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या कर्ज माफी ही होने जा रहा है? जी बिल्कुल रत्नागर जी, मैं आपको बता दूंगा मंदसौर जिले के अंदर जो बाहर जो प्रभावित क्षेत्र था वो सुवासरा विधानसभा सबसे ज्यादा थी। उसके बाद में जो किसानों को मुआवजा मिलना था वो न मिल पाया, किसानों का 2 लाख का जो कर्ज माफ होना था वो नहीं हो पाया। देखा जाए कहीं ना कहीं तो मतलब शिवराज सरकार के पक्ष में जनता की देखा जा रहा है, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो अभी आया है मुआवजा की बजाय इन्होंने बीमार लगता है। प्रकाश जी से हमारे संपर्क कट गया, हम फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सुवासरा के जो मुद्दा निकल कर सामने आ रहा, जैसा हमारे अनादि टीवी के संवाददाता प्रकाश शर्मा जी भी कह रहे थे, शर्मा जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी कुछ खामी आ रही है उनसे बातचीत होने में।
तो जैसा कि प्रकाश शर्मा ने अपनी अभी छोटी सी बातचीत में बताया कि इस क्षेत्र में बाढ़ के चलते तो वैसे ही किसानों के बीच में गुस्सा है, उनको लगता है कि राहत राशि पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पाई है, जो मदद मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और उसके ऊपर से कर्ज माफ़ी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गहरे रूप से वहाँ पर असर डालेगा इस चुनाव पर। और ये लगभग अनादि टीवी की चुनावी चौसर के दौरान अनादि टीवी की टीम जहाँ पर भी गई, प्रदेश के जिन जिन भी हिस्से में गई, अधिकतर ज़िलों में यही स्थिति सामने आई विधानसभा क्षेत्रों में कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, सीतामऊ संवाददाता। प्रकाश जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखें। मंदसौर जिले में जो किसानों को कर्ज माफ होना था वो किसानों को कर्ज माफ नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है कि जो 2 लाख का कर्ज था वो किसान डिफॉल्ट हो चुके हैं, अब वो लोन ले तो कैसे ले, क्योंकि अभी जो बीमा राशि शिवराज सरकार ने दी वो भी किसानों के खाते में नहीं आ पाई है, क्योंकि जो डिफॉल्ट किसान है उसको बीमा नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो 2 लाख का कर्ज माफी का जो है किसानों के साथ में बहुत बड़ा छलावा हुआ है। जी जी, प्रकाश जी एक सवाल मेरा और था आपसे। हरदीप सिंह डंग पहले कांग्रेस से जीते, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या इसे लेकर जनता में और स्थानीय भाजपाइयों में किसी किस्म की नाराजगी नजर आती है आपको? बिल्कुल, भाजपा के अंदर जो कुछ लोग नेता लोग हैं उन्हों नाराजगी देखे जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राधेश्याम पाटीदार पूर्व में हरदीप सिंह डंग के सामने 350 वोट से हारे, कहीं ना कहीं राधेश्याम पाटीदार को भी कोई ना कोई पद अभी तक दिया नहीं गया है, कहीं ना कहीं राधेश्याम पाटीदार की भी नाराजगी देखी जा सकती है। प्रकाश जी, मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या हरदीप सिंह डंग का अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में जाने से जनता के उस पर क्या असर पड़ रहा है, जनता के बीच उनकी छवि पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, छवि तो हरदीप सिंह डंग की पहले भी साफ सुथरी थी और अभी भी साफ सुथरी, क्योंकि वो जो किसानों के हक की लड़ाई के लिए जगह जगह धरने देते थे, हर जगह किसानों के साथ रहते थे, लेकिन अब जो 2 लाख का वादा खिलाफ भी जो उस कारण से उन्होंने कहा है कि मैंने माफ नहीं हुआ, इस कारण से मैंने सरकार बदली है और मैं सरकार के साथ में हूँ। अब देखने वाली बात ये होती है कि किसानों का जो 75% मुआवजा जो बचा है क्या सरदार जी दिलवा पाएंगे जी, नहीं? ठीक है प्रकाश जी, धन्यवाद आपका। राधेश्याम पाटीदार पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। राधेश्याम जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी जी, मैं सबसे पहला सवाल जो हरदीप सिंह डंग जो कि पहले कभी आपके विरोधी हुआ करते थे, आपको चुनाव भी हराया था उन्होंने, अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस बदली हुई परिस्थिति के बीच? भारतीय जनता पार्टी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए अगर वो हमारे परिवार में आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, किस तरीके से क्षेत्र की जनता को आप इस बात के लिए राजी कर पाएंगे कि जिस व्यक्ति का कल तक आप विरोध करते थे आज वो आपके कहने पर उनके लिए वोट दे? मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संचालक भी हूँ, इसलिए मेरा जनता से निवेदन है ही, और लगातार क्षेत्र में प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। जी जी पाटीदार जी, एक सवाल और था, आप तो पहले भी विधायक रह चुके हैं, हमने आपका परफॉर्मेंस भी विधानसभा में देखा है, क्या वजह रही कि आपकी जगह हरदीप सिंह डंग को टिकट दिया गया? आपका भी खासा अनुभव है विधायक के रूप में भी, आपका काम भी सबने देखा है, तो ऐसी क्या वजह रही होगी जो आपकी बजाय हरदीप सिंह डंग का चयन किया गया वहां पर? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मेरे कार्यकाल में स्वात्रा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं, ना भूतो ना भविष्य, तो इतने बड़े विकास के कार्य हुए हैं, परंतु हरदीप सिंह डंग जो हमारी पार्टी में आया है तो पार्टी ने जो कमिटमेंट किया उस आधार पर पार्टी ने उनको टिकट दिया। अच्छा जी जी, चलिए पाटीदार जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुवासरा में किसानों का मुद्दा चुनाव जिताने में खास भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वे पार्टी छोड़कर नहीं गए और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया गया है। तो सुवासरा विधानसभा सीट का जो जिक्र है यहाँ पर चल रहा है, जैसे अभी हमने बात की राधेश्याम पाटीदार से, जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी बात की, और अनादि टीवी के संवाददाता प्रकाश शर्मा से भी हमने बात करके वहाँ का हाल जानना चाहा। समझ में एक बात ये आ रही है कि वहाँ कर्ज माफ़ी का मुद्दा बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ रहा है और वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। सुवासरा में राकेश पाटीदार हरदीप सिंह डंग को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने राकेश पाटीदार को अपना प्रत्याशी बनाकर पाटीदार वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सुवासरा की जनता का प्यार
उन्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को ये भी सोचना पड़ेगा कि हरदीप सिंह डंग यहाँ से लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग ने भाजपा के राधेश्याम पाटीदार को हराया था। सुवासरा का गणित बड़ा रोचक होता चला जा रहा है और हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नाना लाल जी अटोलिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अटोलिया जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। लगता है धन्यवाद जी। जी जी नाना लाल जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सुवासरा, वहां परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले तक जिन हरदीप सिंह डंग का वहां विरोध करती थी, आज वही आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैसी चुनौती महसूस कर रहे हैं इन बदली परिस्थितियों में भाजपा के लोग वहां पर? बीजेपी विचारधारा के ऊपर काम करती है और पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसको सिरोधार रहे है। कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर चुका है और पूरी तरह पूरे उत्साह के साथ चुनाव मैदान में डटा है और हर कार्यकर्ता को विश्वास है कि हम बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने वाले हैं। भाजपा से यहाँ से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीतेंगे। जी जी अटोलिया जी, अटोलिया जी यही आपसे एक सवाल और था। आपका भारतीय जनता पार्टी में काम करने का पुराना अनुभव है, आपको जिलाध्यक्ष का पद दिया गया आपके इन तजुर्बों के चलते, आपका अनुभव क्या कहता है यदि इस सीट से हरदीप सिंह डंग की जगह राधेश्याम पाटीदार को टिकट दिया जाता तो जीत और हार का अंतर और कितना बढ़ सकता था या घट सकता था? नहीं, ये तय तो सिर्फ नेतृत्व करता है लेकिन परिस्थिति समय जो जिस हिसाब से निर्णय लिया है और हम भाजपा में मैंने पहले भी कहा है कि व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण रहती है। संगठन स्तर पर चुनाव लड़ते हैं और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का निर्देश का पालन करता है और संगठन के लिए जी जान से जुटता है और वो सुवासरा विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि लगातार पिछले दो ढाई महीने से हर कार्यकर्ता लगा है और अभी अभी जैसे ही चुनाव का माहौल गर्माया है तो हमारा कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ मैदान में डटा है और काम कर रहा है। जी जी नाना लाल जी अटोलिया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये था 28 विधानसभा सीटों में से एक सुवासरा विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या हाल है सुवारिसा की सियासत का और सियासी चौसर पर कितना दम लगा रहे हैं राजनीतिक दल, ये हमने आज अपने दर्शकों के सामने रखा। उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये तो वक्त के साथ देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर इसी कार्यक्रम में एक और विधानसभा की सियासी चौसर और दांव पेचकर लेकर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।